2019 में जब नदी आई, सैलाब आया था, तभी ये पूरी तरह से सामने का हिस्सा, जितना भी मिट्टी वाला हिस्सा था, वो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद में इसको फिर से तामीर करने के लिए अभी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। भाइयों, ये देख सकते हैं मस्जिद का कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हाजा मस्जिदुल अलवक्फ ला मालिक बतारीख माह रमज़ान 1313 हिजरी में इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। तो आज इसके हिसाब से देखा जाए तो 131 बरस हो चुके हैं। ये देख सकते हैं भाइयों, ये मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अपने मरहूमीन के नाम पर मस्जिद में ईसार सवाब की नियत से देने वाले हजरात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, कॉल कर सकते हैं। भाइयों, ये देख सकते हैं मस्जिद का कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हाजा मस्जिदुल अलवक्फ ला मालिक बतारीख माह रमज़ान 1313 हिजरी में इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। तो आज इसके हिसाब से देखा जाए तो 131 बरस हो चुके हैं। ये देख सकते हैं भाइयों, ये मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। गोकक की शाही मस्जिदों में से इसको शामिल किया जाता था, अभी इसको शहीद किया जा रहा है। देख सकते हैं भाई, ये आखिरी दीदार है मस्जिद का। इसके बाद में अभी अनकरीब थोड़ी देर में इसको शहीद किया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हाफिज़ मुस्तब है, और भी बहुत सारे ज़िम्मेदार, मौलाना बशीरुल हक साहब, अमीर साहब, बहुत सारे हजरत यहाँ पर आ चुके हैं। इस मस्जिद को अभी शहीद किया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहें। ये आप
तो अभी साहब जाओ तुम्हें जाओ बस लो हेलो बराबर आ जा बस लो बस काटो बस ए ले 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 भाइयों ये मंदिर के भाइयों अभी दुआ इंशाल्लाह अगर आप इस मस्जिद के लिए कुछ देना चाहते हैं तो उनके नंबर इस नंबर में दिया जाएगा। इस मस्जिद के कमेटी वालों से बात करें और ख़ुद आकर भी देखकर इस मस्जिद को जो भी आप इमदाद करना चाहते हैं जो भी अपने मरहूमिन के नाम से इसाले सवाब करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत हमने बेड़ा उठाया है मस्जिद की तामीर करने का, मस्जिदों की तामीर करने का काम तो नबियों का काम है, नबियों का काम है लेकिन हम गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह बस आप इससे चाहते हैं ले लेते हैं, हो सकता है कि हमारी निजात के लिए यही काफ़ी हो जाए। अल्लाह यही खिदमत काफ़ी हो जाए, तेरे घर को आबाद करने की, तेरे घर को तामीर करने की खिदमत आप हमसे ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की चीज़ है। अल्लाह ज़िंदगी भर तो अपनी खिदमत लेते रहे, हम यही चाहते हैं। अल्लाह हमने इस अपने कमज़ोर कंधों पर इस बड़े बेड़े को उठाया है, अल्लाह बड़ा काम उठाया है, अल्लाह हर एतबार से हमारी हैसियत से भी ज़्यादा ये काम है। अल्लाह लेकिन अगर हम आपकी तरफ निगाह करते हैं आप ही दिलों को फेरने वाले हैं। अल्लाह मुआविनीन को मुतवज्जे फरमा, इमदाद करने वालों को मुतवज्जे फरमा, कौम को मुतवज्जे फरमा। अल्लाह यहाँ की तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा, अल्लाह तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह जो काम करने वाले हैं उनको मुस्तकिल लग करके जल्दी काम करने को भी नसीब फरमा, इखलास के साथ करना नसीब। अल्लाह जो ज़िम्मेदार इसका बेड़ा उठा रहे हैं अल्लाह उनको भी इखलास नसीब फरमा, अल्लाह उनको भी एक होकर इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ काम करना नसीब।
फरमा, प्यार मोहब्बत के साथ काम करना नसीब फरमा, इखलास और लिल्लाह के साथ काम करना नसीब फरमा। है अल्लाह इस मस्जिद की जल्दी तकमील फरमा, खैर के साथ तकमील फरमा। है अल्लाह खैर के साथ तकमील फरमा। है अल्लाह तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा, तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। है अल्लाह जिन लोगों ने तशकील भी लिखाया है, नाम लिखाए भी वादे किए हैं, है अल्लाह सभी को जल्दी से जल्दी पहुँचानी तौफीक नसीब फरमा, बल्कि उससे ज़्यादा पहुँचाना नसीब फरमा। है अल्लाह जो लोग अपने दिलों में इरादा रखते हैं उनको भी पहुँचाना नसीब फरमा। है अल्लाह जो लोग नहीं लिखा सके अल्लाह उनको भी लिखाने तौफीक नसीब फरमा। है अल्लाह हर तरह से तामीरात में आसानियाँ पैदा फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा। है अल्लाह आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमा, मोहल्ले वालों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना नसीब फरमा। हिम्मत की लेन सी, ताउन की लेन सी, हर एतबार से हिस्सा लेना नसीब फरमा। है अल्लाह हमारी इस मस्जिद को मुकम्मल फरमा, है अल्लाह तकमील फरमा, है अल्लाह हम सबकी दुआओं को नबी की। भैया ये था मस्जिद के, पुरानी मस्जिद का मंजर देख सकते हो। अभी यहाँ पे आरजी मस्जिद एक बनाया है यहाँ पर। अभी यहाँ का थोड़ा मंजर बताएंगे आपको। अभी आज असर से नमाज यहाँ पर शुरू होगी। आरजी तौर पर मस्जिद बनाया है यहाँ पर। ये देख सकते हो भाई, ये वजू खाना है। अभी ये आरजी तौर पर मस्जिद बनाया गया है यहाँ पे। पेशाब खाना और बनाया है यहाँ पे वजू खाने, वजू करने के लिए। हमारे महबूब भाई भी बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह। अभी थोड़े जिम्मेदारों के साथ में थोड़ा आपसे बात कराएंगे, बने रहे हमारे साथ। ये देख सकते हैं ये फैन है, फैन भी बहुत साल पुराना फैन है, ये एंटिक फैन है। अभी ऐसा फैन मिलना बहुत मुश्किल है। इसका आवाज़ बहुत ज़बरदस्त आता है, हेलीकॉप्टर के जैसा घूमता है। एक ही फैन पूरी मस्जिद को कवर करता था, बहुत ज़बरदस्त फैन था। अभी इसको भी निकाला जाएगा, इसको भी शेयर क्या तुम्हारी दुकान में जा रहे हैं? तो इसे इसको पहचाने जाएगा भाई, इसको रखूँगा। देख सकते हो भाई माशाल्लाह बहुत पुराना फैन है, अभी तक चलता है। कम से कम 130 बरस हुआ है। तब कहाँ करेंट आता करेंट आने के बाद 100 साल पुराना फैन है। अभी तक चलो ये फैन बंद नहीं है। इसके बीच में होल भी कैसा है देख सकते हो। भाई यहाँ पर एक शर्ट था, वो शर्ट
टी-शर्ट भी अभी निकाला गया है, उर्दू खाना भी निकाला जा रहा है, सारा यहाँ का पूरा निकालेंगे। उसके बाद में देख सकते हो अभी पूरा यहाँ पर भी, जब 2019 में जब नदी आई, सैलाब आया था, तभी ये पूरी तरह से सामने का हिस्सा, जितना भी मट्टी वाला हिस्सा था वो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद में इसको फिर से तामीर करने के लिए अभी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। ठीक है भाई, मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो इस मस्जिद के लिए अगर आप मरहूमीन के नाम पर कोई देना चाहता है ऐसा है, आपकी नीयत से और अपने आखिरत के ज़खीरा या आखिरत के, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस मस्जिद को जल्द से जल्द तामीर होने के लिए दुआ करें, और अल्लाह इस मस्जिद को जल्द से जल्द पूरा करें। और जो हजरात देने वाले हैं वो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा। ये गोपा की पनीमन मस्जिद है, आपको हमने दिखाया है, तो इनसे रब्ता करके मस्जिद के लिए इमदाद कर सकते हैं। शुक्रिया, जजाकल्लाह, शुक्रिया।